अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो खास तौर पर कराची वालों के लिए है, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक ने 4 दिन पहले एक अनाउंसमेंट जारी की है, जिस अनाउंसमेंट के तहत कराची के तमाम कंज्यूमर्स, चाहे वो रेजिडेंशियल हों, कमर्शियल हों या इंडस्ट्रियल हों, उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं उस अनाउंसमेंट की तरफ। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट की है वो उन्होंने सेल्स टैक्स रिटेलर्स के हवाले से की है, जो कि बजट 2022 में सपोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें अगर आपके पास कमर्शियल मीटर लगा हुआ है और आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका 0 से लेके 30,000 तक के बिल आने पे आपके ऊपर 3,000 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर आपका 30 से 50,000 का बिल है तो उस पर आपको 5,000 रुपये टैक्स लगेगा, और 50,000 से ऊपर वाले बिल जिसके आएंगे उनके ऊपर 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको वो टैक्स डबल हो जाएगा, यानी कि 3,000 की जगह 6,000, 5,000 की जगह 10,000 और 10,000 की जगह 20,000। इस टैक्स की खास बात यह है कि अगर आप महीने की 0 सेल्स करते हैं तब भी आपके ऊपर ये टैक्स उतना का उतना ही लगेगा, यानी कि 3,000 रुपये, और अगर आप टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है आपका तो आपको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपकी दुकान बंद भी है, पूरा महीना बंद रहेगी, तब भी आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सेल्स टैक्स रिटेलर्स हर मंथ लगेगा, यानी कि अगर साल का हिसाब कर लिया जाए तो जो इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है और उनका 30,000 से कम बिल आता था, उनको अभी तकरीबन 72,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टैक्स की मद में, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतने शायद बहुत सारे लोगों के टैक्स बनते भी ना हो। ये टैक्स लगाने का मकसद टैक्स इकट्ठा करने के बजाय लोगों को सेल्स टैक्स के धारे में लाने की कोशिश है। तो अब चलते हैं दूसरे अनाउंसमेंट की तरफ। दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो है अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की मल्टीपल स्लैब्स खत्म करने की। अगर आप अपना पुराने बिल देखें तो उसमें अगर आपके 300 यूनिट आते हैं या 300 से कम आते हैं तो उसमें पहले अप टू 200 यूनिट्स का लिखा होता है स्लैब, और फिर उसके बाद बाकी के जो यूनिट होते हैं उनका रेट लिखा होता है, लेकिन अब उन्होंने वो खत्म कर दिया है। अब अगर आपके 290, 280 या 250 जितने भी यूनिट आ रहे हैं, अब उसी स्लैब में जो आपका रेट लगेगा सिर्फ और सिर्फ वही रेट लगेगा, जिससे बिल के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ेगा। तीसरी जो अनाउंसमेंट है वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। पहले जून 2022 तक गवर्नमेंट ने नॉन पीक और पीक आर्स का सेम रेट रखा हुआ था, लेकिन अब जून खत्म होने के बाद यानी कि जुलाई से अब आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पीक आर्स में ज़्यादा रेट यानी कि 25 रुपये देने पड़ेंगे और नॉन पीक आर्स में आपको 19 रुपये देने पड़ेंगे, तो तकरीबन 6 रुपये का एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे। इससे तमाम चीज़ें महंगी होंगी और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। अगली अनाउंसमेंट है जीरो रेटेड यूनिट्स या फिर एक्सपोर्ट यूनिट्स के बारे में। पहले गवर्नमेंट ने उनसे एक फिक्स रेट तय किया हुआ था जो कि $0.09 था पर यूनिट, अब वो उसको ख़त्म कर दिया है और अब नॉर्मल रेट के ऊपर उनको देना पड़ेगा, जो कि रेट बढ़ा हुआ ही मिलेगा उन्हें। अगली अनाउंसमेंट तो नहीं लेकिन जानकारी है FCA के हवाले से। FCA यानी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से, मई में तकरीबन 9 रुपये के हिसाब से फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का NEPRA ने अप्रूव किया है इलेक्ट्रिक को, जिसमें से वो 2.5 पैसे जुलाई के बिल में ले चुके हैं, अगस्त के बिल में अभी 6.2 पैसे उनके बाकी हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने जून के लिए NEPRA से 11.3 रुपये पर यूनिट का इजाफा मांगा है, जिसकी सुनवाई 28 जुलाई को होगी। फिर पता लगेगा कि जून के यूनिट पे फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कितने लगेंगे और वो कब अप्लाई होंगे। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।